ज्ञान से खतरनाक कोई हथियार नहीं है, इसलिए आप इसे हमेशा फुल लोड रखें। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं है, और आपको अगर आगे बढ़ना है तो बस पढ़ना है। तो आइए आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डील करेंगे। और ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको 2023 में इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने हैं। आप में से वैसे तमाम लोग वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि 5 नंबर आपके एकदम गारंटेड हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव सवाल के साथ। तो आप बने रहिएगा अंत तक, और यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के इस सेशन का जो हमारा सवाल है वह है नेम ऑफ इंग्लिश पोइट्स। कहते हैं कि इंग्लिश पोइट्स के नाम लिखिए। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि राइट द नेम ऑफ 5 इंग्लिश पोइट्स या राइट द नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स। कभी कभी इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स के नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि इस तरह के जो भी प्रश्न हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बड़े ही स्कोरिंग होते हैं, और आसानी से हम लोग जो है वह इस तरह के प्रश्न में बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस थोड़ा सा परिश्रम करना है और आपको वीडियो को पूरा देखना है। तो नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोइट या नेम ऑफ 5 इंग्लिश पोइट्स, अगर इस तरह का कोई भी सवाल रहता है तो उनके नाम हम लोग देखेंगे। जॉन मिल्टन साहब, कौन है बाबू? जॉन मिल्टन साहब। विलियम वॉर्ड्सवर्थ साहब, कौन है? विलियम वॉर्ड्सवर्थ साहब हैं। डब्ल्यू वी एट साहब हैं। जॉन किट्स हैं। टी एस एलियट हैं। ये सभी के सभी जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी फेमस, काफ़ी रिनॉन्ड पोएट हैं। तो आप इनके नाम ज़रूर याद रखिएगा। नेम ऑफ 5 मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स में जॉन मिल्टन, विलियम वॉर्ड्सवर्थ, डब्ल्यू वी एट्स, जॉन किट्स, टी एस एलियट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के दृष्टिकोण से देखें तो। अगला जो हमारा सवाल है, राइट द नेम ऑफ 5 मेजर इंडियन राइटर इन इंग्लिश। 5 भारतीय लेखक के नाम लिखिए जो इंग्लिश भाषा में रचना करने का काम करते हैं। कंपोजिशन उनकी जो होती है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। वैसे 5 जो मेजर, 5 जो प्रोमिनेंट, 5 जो जाने माने जो राइटर हैं उनके नाम बताइए। इस तरह के सवाल भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान और बहुत ही स्कोरिंग होता है इस तरह का सवाल। तो आइए, इनके नाम है राजा राव। क्या है बाबू? राजा राव। मुल्कराज आनंद, क्या है बाबू? मुल्कराज आनंद। आर के नारायण, क्या है बाबू? आर के नारायण। मनोहर मालगोंकर, क्या है? मनोहर मालगोंकर। रविन्द्रनाथ टैगोर और अरुंधति राय, ये सभी के सभी जो है वह भारतीय राइटर हैं, और इनकी जो रचना होती है वो इंग्लिश में होती है। तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मेजर इंडियन राइटर के नाम लिखिए जिनकी कंपोजिशन इंग्लिश में होती है। तो राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, मनोहर मालगोंकर, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरुंधति राय। इस तरह के वीडियो को लाने का एकमात्र मकसद है कि आपको ऑडियो विजुअल के माध्यम से आपको याद करवाया जाए, और आपको याद करवाया जाए, आपके पढ़ाई को आसान बनाया जाए, आपको अधिक जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके एग्जामिनेशन में। इसीलिए आप इसको बार बार देखिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है नेम ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट। ड्रामाटिस्ट का मतलब होता है बाबू नाटककार। नाटककार जो इंग्लिश नाटककार हैं, जो इंग्लिश ड्रामाटिस्ट हैं, उनके नाम लिखिए। और यहाँ पर भी 5 ड्रामाटिस्ट के नाम लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं कि नेम ऑफ 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट यानी 5 इंग्लिश ड्रामाटिस्ट के नाम लिखिए। तो उनके नाम कौन कौन हैं ज़रा सा देख लेते हैं। ये विलियम शेक्सपियर, ये बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हैं। अगर कहें तो ये इंग्लिश भाषा के जो है वह सबसे बड़े ड्रामाटिस्ट हैं, विलियम शेक्सपियर। दूसरे हैं गोल्ड स्मिथ। तीसरे हैं आपके जी वी सॉ, जॉर्ज बर्नार्ड सॉ इनका पूरा नाम है। विलियम कॉनग्रेव, वेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लॉ, ये सभी के सभी जो है वह इंग्लिश भाषा के बहुत बड़े जो है वह क्या हैं,
तो ड्रामाटिस्ट हैं। आप सबसे पहले हम हट जाते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं जल्दी से एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं क्योंकि बात जो है वो 5 मार्क्स की है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारा का सारा प्रश्न है, इसलिए जल्दी से हम लोग क्विक रिकॉल करते हैं और मेरे साथ आप लोग भी रिकॉल कीजिए। नेम ऑफ इंग्लिश पोइट्स, कौन कौन इंग्लिश पोइट हैं जरा देख लेते हैं। तो जॉन मिल्टन है, विलियम वॉर्ड्सवर्थ हैं, डब्ल्यू वी येट्स हैं, जॉन किट्स हैं और टी एस एलियट हैं। 5 मेजर इंडियन राइटर इन इंग्लिश कौन कौन है बाबू? तो ये हैं राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, मनोहर मालगोंकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरुंधति राय। बात कर लेते हैं नेम ऑफ इंग्लिश ड्रामाटिस्ट, यानी इंग्लिश ड्रामाटिस्ट कौन कौन है। तो विलियम शेक्सपियर, गोल्ड स्मिथ, जी वी सॉ, विलियम कॉनग्रेव, वेन जॉनसन, क्रिस्टोफर मार्लॉक, यानी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। चलते हम लोग आगे कुछ प्रश्न देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, और ये भी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो आप इसे पूरा देखिएगा और एक दो बार जब आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और आपको याद करवाने के लिए ही ये वीडियो स्पेशली आपके लिए हम लेकर आए हैं। प्रश्न है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी। नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में क्या अंतर है वो लिखना है, और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या मेजर जो डिफरेंस है नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में उसकी। देखिए यहाँ पे इसका आंसर है, द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इज एज फॉलोज। जो नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में अंतर है वो निम्नलिखित हैं। आइए इस पर बात करते हैं कि क्या क्या अंतर है। तो पहला जो हमारा अंतर है, नॉवेल इज लार्ज बट स्टोरी इज शॉर्ट। नॉवेल जो है वो क्या होता है बाबू, बड़ा होता है, क्योंकि नॉवेल बहुत सारी कहानियों का, बहुत सारे इवेंट्स का जो है वो कंपाइलिंग होता है, और शॉर्ट स्टोरी जो है वो किसी एक इवेंट का जिक्र किया जाता है इसमें। तो इसीलिए कहा गया है कि नॉवेल इज लार्ज बट अ स्टोरी इज शॉर्ट, यानी कहानी जो है वह छोटी होती है और उपन्यास जो है वह क्या होती है, बड़ी होती है। नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन। नॉवेल्स जो होते हैं, उपन्यास जो होते हैं, वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होते हैं, कल्पना पे बेस्ड होते हैं। किस पे बेस्ड होते हैं बाबू? इमेजिनेशन पे, कल्पना पे बेस्ड होते हैं। वेयर एज जहाँ स्टोरीज आर रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। जहाँ बात करेंगे कहानी की, तो कहानी जो है वह जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती है, जीवन की वास्तविकताओं से क्या होती है, संबंधित होती है। आगे देख लेते हैं, नॉवेल्स आर कॉस्टली। नॉवेल जो है वो थोड़े महंगे होते हैं, इनके प्राइस थोड़े अधिक होते हैं, तो क्योंकि इनकी किताबें जो है थोड़ी मोटी होती है। ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ, स्टोरी बुक्स आर चीप, और कहानी की जो किताबें होती है वो थोड़ी क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। नॉवेल टेक्स मच टाइम टू रीड, और उपन्यास को पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते हैं, तो इसलिए जो है वो उनको पढ़ने में थोड़ा वक्त लगता है। एंड अ स्टोरी टेक्स लिटिल टाइम टू गो थ्रू इट, और छोटी जो कहानी होती है उनको पढ़ने में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम ही वक्त में हम लोग पूरी कहानी को पढ़ लेते हैं। आइए इसको जल्दी से एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में, वो हम लोग देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नॉवेल एंड शॉर्ट स्टोरी इज एज फॉलोज, यानी शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल में क्या क्या अंतर है वो निम्नलिखित हैं, देखते हैं हम लोग। नॉवेल इज लार्ज, उपन्यास बड़ा होता है, बट स्टोरी इज शॉर्ट, लेकिन कहानी जो है वह क्या होती है, छोटी होती है। नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, नॉवेल्स जो है वह कल्पना पर आधारित होता है, इमेजिनेशन पर आधारित होता है। वेयर एज अ स्टोरीज आर रिलेटेड टू द रियलिटी ऑफ लाइफ, और बात कर लेते हैं कहानी की, तो कहानी जो है वह जीवन की वास्तविकताओं से जुड़ी होती है, वास्तविकताओं से संबंधित होती है। नॉवेल्स आर कॉस्टली, ऑन अदर हैंड स्टोरी बुक्स आर चीप, नॉवेल थोड़े महंगे होते हैं और कहानी की किताबें जो होती है वो थोड़ी सस्ती होती है। नॉवेल टेक्स मच टाइम टू रीड, और नॉवेल को पढ़ने में थोड़ा अधिक वक्त लगता है। एंड अ स्टोरी टेक्स लिटिल टाइम टू गो थ्रू इट, और कहानी को जो है वह पढ़ने में थोड़ा कम वक्त लगता है। तो आप भी जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट कर लें, ये बेहतर रहेगा आपके लिए, बाद में इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे और पढ़ने में आपको क्या होगी, सुविधा होगी, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, और यह भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और उम्मीद है कि आने वाले एग्जामिनेशन में भी ये प्रोबेबल क्वेश्चन में से एक है और यह भी 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। सवाल क्या है हम लोग उसकी बात करते हैं। राइट अ नोट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, यानी भारत में अंग्रेजी भाषा की क्या महत्ता है उस पे एक संक्षिप्त नोट करें, लिखें या संक्षिप्त टिप्पणी करें, यानी भारत में अंग्रेजी भाषा के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है, तो हम लोगों को संक्षिप्त में ही लिखना है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। बस 5 मार्क्स आपका रखा हुआ है, बस आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिए। आइए हम लोग आंसर की में देखते हैं क्या क्या है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, अंग्रेजी भाषा जो है वह भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आज के डेट में इंग्लिश जो है वह बहुत ज़रूरी है हर किसी के लिए। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री, यह जो है हमारे देश में एक लिंक लैंग्वेज, यानी एक ऐसी भाषा जो लोगों को इंटीग्रेट करने का काम करती हो, अलग अलग कल्चरों के लोगों का जो है वह एक अमलगम बनाने का काम करती हो, ये उस तरह की भाषा है। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज, यानी लोगों को, कल्चर्स को, अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने वाला लैंग्वेज है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बाबू, लिंक लैंग्वेज कहा जाता है। हम लोग देखते हैं कि भारत में कई भाषाएं हैं और इन भाषाओं को इंटीग्रेट करने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण भाषा भी है, वो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। इट ब्राउट द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, ये अलग अलग क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं, जो अलग अलग भाषाएं बोला करते हैं, उन तमाम लोगों को जो है हुआ इसने एक प्लेटफॉर्म पर लाया और एक कॉमन लैंग्वेज दिया, ताकि हम सभी एक दूसरे से अपने मन की बात को, अपने दिल की बात को, अपने आइडिया को, अपने थॉट को क्या कर सकें, डिस्क्राइब कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें। इसके लिए इंग्लिश का होना बेहद क्या है, ज़रूरी है। अब मान लिया जाए कि कोई भी लोग तमिल बोल रहा है और आपको तमिल नहीं आती है, आपको हिंदी आती है, तो शायद आप उसकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, वो आपकी बातों को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर एक कॉमन लैंग्वेज रहता है कि वो भी इंग्लिश अगर जानते हों, आप भी इंग्लिश जानते हों, तो दोनों आसानी से कन्वर्सेट करके एक दूसरे के मन की बात को, एक दूसरे के दिल की बात को हम लोग क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। इट ब्राउट द लेटेस्ट नॉलेज टू आवर कंट्री फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, ये जो अंग्रेजी भाषा है, ये पश्चिमी देशों में क्या क्या आविष्कार हुए, क्या क्या खबरें हैं, क्या क्या इन्वेंशंस हैं, क्या क्या डिस्कवरीज हैं, इन तमाम चीज़ों को जो है, इन तमाम डाटा और फैक्ट को जो है वह हमारे देश तक लाने का काम किया। क्योंकि क्या है कि पश्चात देशों की जो भाषा है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की भाषा है, वो मोस्टली इंग्लिश है, और यदि हमको इंग्लिश पता नहीं रहेगी तो हम वहाँ के जो कल्चर्स हैं, वहाँ के जो ट्रेडिशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, जो वहाँ के वाट एवर गोइंग ऑन देयर, वहाँ क्या चीज़ें चल रही है, उसके बारे में हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमको इंग्लिश जानना बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट वास्तव में इट प्रोवाइडेड टीथ टू आवर फ्रीडम मोमेंट्स, सच में ये रियलिटी है कि अंग्रेजी भाषा ने हमारे आज़ादी के आंदोलनों को काफ़ी गति प्रदान किया था और मजबूती प्रदान किया था, और इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिली, ताकि उनके स्ट्रैटेजी को हम समझ सकें, और जब तक हम उनके स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाएंगे, किसी के स्ट्रैटेजी को नहीं समझ पाएंगे, तो उनको डिफीट कर पाना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो इनफैक्ट इट प्रोवाइडेड टीथ टू आवर फ्रीडम मोमेंट्स, वास्तव में इसने आज़ादी के आंदोलनों को जो है वह आसान बना दिया। टुडे आज इट हैज़ ब्राउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, आज अंग्रेजी भाषा ने विश्व के सभी देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। हम लोग जो है वह भले ही अमेरिका से, चाइना से, ब्रिटेन से बहुत दूर हों, लेकिन हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज में कन्वर्सेट कर करके एक दूसरे के करीब ही रहते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वी इंडियन टू लर्न इंग्लिश इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, कहते हैं कि ये जो है हम भारतीयों के लिए
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही बेहद ज़रूरी है कि ये जो वैश्वीकरण का दौर है जिसमें आपका राजनीति हो, कूटनीति हो, टेक्नोलॉजी हो या इकोनॉमी हो, सबों का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में यदि हम इंग्लिश नहीं जानेंगे तो हम लोग ग्लोबल तौर पर जो है वह पिछड़ जाएंगे। इसलिए इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इकोनॉमी के दौर में हम लोगों को इंग्लिश जानना बेहद क्या है, ज़रूरी है। हम भारतीयों के लिए इंग्लिश जो है वह क्या है, बेहद ज़रूरी है। आगे है, इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक जो है वह क्या है बाबू, तो एक विकासशील राष्ट्र है। एंड इंग्लिश इज़ विंडो टू द वर्ल्ड, और हम जानते हैं कि अंग्रेजी एक ऐसी खिड़की है जिससे हम पूरे संसार को देख सकते हैं। तो अंग्रेजी एक ऐसी खिड़की है जिससे हम लोग पूरे संसार को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। शो टू पीप द वर्ल्ड, इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे संसार को देखें, इसको जानें, इसको हम महसूस करें, इंग्लिश इज क्वाइट नेसेसरी, अंग्रेजी जो है वह बहुत क्या है, आवश्यक है। यानी अगर पूरे विश्व को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अंग्रेजी बहुत आवश्यक है। एक बार जल्दी से हम इसको रिकॉल कर देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और आप जो है वह स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इसका। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियंस, अंग्रेजी भारतीयों के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ लिंक लैंग्वेज टू आवर कंट्री, यह हमारे देशों को जोड़ने वाली भाषा है। इट ब्राउट द पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑन वन प्लेटफॉर्म, यह अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम किया, एकीकृत करने का काम किया, इंटीग्रेट करने का काम किया। इट ब्राउट द लेटेस्ट नॉलेज टू आवर कंट्री फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्री, यह जो है पश्चिमी देशों से जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस हैं, जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हैं, उनको हम तक पहुंचाने का काम किया। इनफैक्ट इट प्रोवाइडेड इट टू आवर फ्रीडम मोमेंट, वास्तव में इसने यानी अंग्रेजी भाषा ने हमारे आज़ादी के जो आंदोलन है उसको जो है हुआ क्या किया, गति प्रदान किया, मजबूती प्रदान किया। टुडे इट हैज़ ब्राउट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज, आज इंग्लिश भाषा ने जो है हुआ पूरे विश्व के राष्ट्र को, विश्व के देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया है। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वी इंडियन टू लर्न इंग्लिश इन दिस एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्लोमेसी एंड टेक्नोलॉजी, कहते हैं यह हम भारतीयों के लिए बेहद ज़रूरी है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस इकोनॉमी के दौर में, इस डिप्लोमेसी के दौर में हम लोग जो है हुआ अंग्रेजी सीखें, वरना हम लोग जो है हुआ क्या हो जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, भारत एक विकासशील देश है। एंड इंग्लिश इज़ विंडो टू द वर्ल्ड, और अंग्रेजी जो है हुआ संसार को देखने की एक क्या है, खिड़की है। सो टू पीप द वर्ल्ड, और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि संसार को देखें, इसको जानें, इंग्लिश इज़ क्वाइट नेसेसरी, इंग्लिश बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल भी होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपका प्यार यूं ही चैनल को मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।